watch this. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी का टाइम 9 बज चुका है और आज का मौसम काफ़ी चेंजमेंट आप देख सकते हैं। व्यूज़ कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है क्योंकि आज धूप नहीं खिली हुई है और आसमान में चारों ओर बादल घिरे हुए हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, क्योंकि आज बहुत ही मतलब खुश दिन है। यानी हमारे गाँव 5 या 6 साल बाद किसी बाहर गाँव में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने गया और फाइनल तक प्रवेश किया और आज फाइनल है हमारा कनौल के साथ। कैसा रहता है आज का दिन? बेस्ट ऑफ लक ऑल जो हमारे गाँव के प्लेयर हैं, जो हम मैं भी हूँ। तो जैसा भी रहेगा आज के ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए और अंत तक इन्जॉय लीजिए फाइनल मैच का। तो लेट्स गो, तैयार होते हैं फटाफट। और जितने भी गांव के भाई बंधु लोग हैं वो सब आज गाड़ियां जितनी भी जाएगी, काफी रोमांचक होने वाला है आज का दिन। तो चलो फिर लेट्स गो। तो गाइस देख सकते हैं गाड़ियां रेडी हो चुकी है फाइनल में जाने के लिए। एक एक पिकअप है और एक एक गाड़ियां आगे भी लगी होंगी और सभी लड़के अभी तैयार हो रहे हैं। तो फाइनल के लिए कुछ ही यानी आधे घंटे में सब गांव वाले एकत्रित होकर तांगला को प्रवेश करेंगे। तो भाई कितनी खुशी हो रही है तांगला जाने की? ज्यादा खुशी। तो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं। काफी सालों बाद बाहर गाँव, धन्यवाद आपको भी। तो आज बहुत ही खुशी का विषय है कि हम आज तांगला से फाइनल लेके आएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं तांगला की ओर और आज का फाइनल मुकाबला। तो हमारी लक्की गाड़ी जा चुकी है और आज हम फिर उसी लक्की गाड़ी में बैठ चुके हैं। फाइनली फाइनल गाड़ी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रामणी में और ये दर्शक देख सकते हैं आज खचा खच भरे हुए। दो गाड़ियां ये है और पीछे से भी आ रहे हैं। तो काफी दर्शक आज काफी उम्मीद लेके आए हैं कि गांव की टीम फाइनल में गई है और फाइनल में एंजॉय लेंगे। तो हमारे पवन भाई ये किशोर सिंह, अरे यार तुमने मेरा नाम ही बदनाम कर दिया। ये हमारे सतेंद्र भाई, हाय गाइस, काफी स्मार्ट लग रहे हैं। फाइनल खेलने जा रहे हैं या लड़की देखने जा रहे हैं? फाइनल खेलेंगे भाई, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल फाइनल सीजन का पहला फाइनल है। तो ये हमारे, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तांगला स्टेडियम में और ये हमारे गांव की गाड़ियां देख सकते हैं और ये हमारे प्लेयर भाई बंधु लोग और दर्शक देख सकते हैं। यार खचा खच। और ये रहा स्टेडियम तांगला का जहाँ की आज फाइनल आगाज होगा। तो चलो पहुंच चुके हैं तांगला स्टेडियम में जहाँ की आज फाइनल आगाज है और भीड़ देख सकते हैं पूरी पब्लिक, जो कि कनौल के भी और लवाणी के भी बहुत सारे आए हुए हैं। और तांगला गांव का भी धन्यवाद, आपने इस तरीके से फाइनल के लिए काफी अच्छा सजावट किया है, बच्चे भी काफी हैं। तो मजा आने वाला है आज के गेम में। तो चलो देखते रहिए और एंजॉय लेते रहिए फाइनल मैच को। बिट्टू भाई हाथ मिला दो, राहुल भाई कॉन्सर्ट चल रहा था और वहाँ पर स्वागत चल रहा है। तो छोटे से बच्चे तो क्राउड कर दो, तो थोड़ा यस बोल रहे, यस हेलो कर दो। तो ये देख सकते हैं तांगला के सभी भाई बंधु लोग यहाँ पे मैच के लिए पहुंचे हुए हैं और आज देख सकते हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे ना, काफी मजा आ रहा है। तो चलो थोड़ा स्वागत एजेंसी अपन सिंह नेगी जी, जहाँ कहीं भी हो वहीं से आप आकर के जो है यहाँ पर इस मैच का जो है उद्घाटन कीजिएगा और आपका भी हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनके स्वागत के लिए और उनसे भी अनुरोध किया जाता है कि वे आकर के यहाँ पर इस मैच का उद्घाटन करेंगे वहीं से। बलवंत सिंह जी माल्या फड़कन करने के लिए यहाँ पर तैयार रहे। अरे बलवंत सिंह, हम बलवंत सिंह आगे 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 आगे। हाँ बलवंत सिंह जी जो इस आयोजक मंडल के ज्येष्ठ नेता है, बलवंत सिंह जी बसंती है, बसंती है।
कोई पसंद किया जाओ, चलो हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ, चलो इनका स्वागत करते हैं। फाइनल मैच का टॉस प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है, तो कुछ ही क्षणों बस चार टॉस होगा। तो यहाँ पे अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, आप लोग खेल भाव में खेलेंगे और जो भी निर्णय दिया जाएगा दोनों के पक्ष में दिया जाएगा और आप बेफिक्र होकर मैच खेलें। कॉलिंग हेड गाइस, कनोल टॉस जीत चुकी है और अब देखना बाकी की वो क्षेत्र रक्षण करती है या पहले बल्लेबाजी करती है। और जितने भी चीफ गेस्ट आए हुए थे यहाँ पे उद्घाटन समारोह के लिए, वो अब धीरे धीरे ऊपर को जाते हुए, तो देखते हैं पहले क्या करते हैं। तो हमारे लादिन भाई भी काफी दूर से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो चीफ गेस्ट यहाँ पे थोड़ा ट्रायल करेंगे एक गेंद का। तो बॉलर बॉलिंग बढ़िया बल्लेबाजी पहली इनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक 118 रन बनाए हुए हैं कनोल ने 15 ओवर में, तो हमें चाहिए 90 गेंद 119 रन। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और कनोल की फील्डिंग जा चुकी है और हमारे सलामी बल्लेबाज भी तैयार होते हुए, तो दर्शक देख सकते हैं यार दोस्तों क्या खचाखच भरा हुआ है। एक चप्पा मार गई गेंद, अच्छी गेंद सामने लक्ष्मण और सुमन्य भाई बल्लेबाज रन निकालना चाहते हैं, लेकिन मना किया वहां पे जहाँ एक रन बन सकते थे। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद उनका स्कोर यार गुरजी यार तुम बक्सती करे यार गुरजी यार पहला विकेट का पड़ा उन्हें दिल की तसली भी पूरी कर दिया। अब गए हैं मुकेश वन डाउन पे, एक विकेट का पतन हो चुका है लुवानी का 12 रन के स्कोर पे।
हो जाए ना तो कोई है तो श्रीमती बच्ची देवी और श्री गुलवंत सिंह पहुंच जाए। इसके बाद विजय ठाकरे हो गया और श्रीमती बसंती देवी आयोजक की चाची वो भी पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। श्रीमती बच्ची देवी और श्रीमती बसंती देवी तो भगवान सिंह क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट का समापन की ओर आप आ जाए। दरे मणि हाला धक्के दो यार चलते हैं गाड़ी में बैठ के फुल है। सो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अभी घर में। थोड़ी देर इधर चाय चुए पिया क्योंकि सेकंड भी आए थे बट आज का जो गेम रहा ना मेरा बहुत खराब इतना गंदा ना कि मैं क्या बताऊँ। सेमीफाइनल में मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया 41 रन बनाया नॉट आउट के साथ। उस हिसाब से मेरा मनोबल आज तो बहुत ऊंच था कि मैं कुछ कर सकता हूं अपने गांव के लिए अपने गांव का नाम रोशन कर सकता हूं जिता सकता हूं फाइनल। बट कंडीशन पता नहीं क्या हुआ या मेरी किस्मत ही ख़राब थी 6 बॉल डक कर गया मैं आज पहली बार। मैंने हर बॉल पर हिट मारने की कोशिश की बट सब विफल रहा। इतना मतलब दुख आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था पता नहीं आज क्या हुआ मुझे बहुत रोना आ रहा है दोस्तों। चलो यार जैसा भी आपको वीडियो लगा होगा मैं क्या बता सकता हूँ मैं सच में आपको फील नहीं करा सकता कि मुझे कितना रोना आ रहा है। तो चलो रोते रोते सो भी जाते हैं अब हो सके तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा यार क्रिकेट से अलविदा ले लूँगा। चलो दोस्तों बाय गुड नाइट आप भी सो जाइए मेरा तो मूड ऑफ हो गया।